सपा छात्र सभा ने 6 सूत्रीय ज्ञापन नगर आयुक्त को दिया। कई प्रमुख महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज को लेकर समस्याएं दूर कराने की मांग। महाविद्यालयों के मुख्य गेट पर धोने वाली पानी की टंकियों को रखा जाए। बताया बिजली विभाग से मांग, जहां भी जर्जर तार तत्काल बदलवाया जाए। फिरोजाबाद समाजवादी छात्र सभा जनपद फिरोजाबाद के जिलाध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा के नेतृत्व में नगर आयुक्त फिरोजाबाद को नगर निगम में 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में अवगत कराया कि फिरोजाबाद में कई प्रमुख महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज हैं। 26 जुलाई 2021 से महाविद्यालयों में मुख्य परीक्षाएं प्रारंभ होने वाली हैं। क्योंकि बारिश का मौसम शुरू हो गया है और कोरोना काल चल रहा है, इसलिए समाजवादी छात्र सभा 6 सूत्रीय मांगे रखती है, जिनमें महाविद्यालय एवं इंटर कॉलेज के मुख्य मार्गों पर बारिश होने पर जल भराव की समस्या दूर कराई जाए। कॉलेज व स्कूलों के मुख्य मार्ग पर मेन हाल का खुला होना, कॉलेज व स्कूलों के आने जाने वाले मार्गों पर अतिक्रमण अभियान चलाया जाए व कॉलेज के मुख्य गेट के आसपास, चूंकि महाविद्यालयों में परीक्षाएं शुरू होने वाली है, नगर निगम के माध्यम से महाविद्यालयों के मुख्य गेट पर धोने वाली पानी की टंकियां रखी जाएं। परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कॉलेज परिसरों में कोरोना जांच टीम कैंप लगाया जाए। बारिश का मौसम शुरू हो गया है। ज्ञापन दिया गया है, क्या वजह है, कौन कौन सी मांगे रखी गई है द्वारा? यहाँ जो ज्ञापन दिया गया है, यह छात्रों की जायज मांग है। सही मांग को छात्र सभा ने उठाया है। जगमोहन यादव जी और जो जिलाध्यक्ष हैं इंद्र वर्मा जी, उदयवान जी, इन सब लोगों ने, और हम लोगों की पहले मौके की बात हुई, ज्ञापन देने से पहले भी बात हुई, तो नवराज साहब ने तुरंत अपने समय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है कि समाजवादी छात्र सभा की मांग पर तुरंत ध्यान दिया जाए और 26 तारीख तक व्यवस्थाएं करा दी जाए। आपके भी बाढ़ में बहुत विद्यालय हैं, क्या उन विद्यालय के लिए आप भी कुछ ऐसा नगराज वगैरह से कुछ? जी, नवराज साहब से वो एम जी कॉलेज पढ़ता है मेरे वार्ड में, तो वहाँ के लिए व्यवस्था की गई है जी। ज्ञापन क्या वजह नहीं, किस वजह का ज्ञापन सौंपा गया था नगर आयुक्त महोदय को? आज हम लोगों ने समाजवादी पार्टी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष इंद्रजीत वर्मा जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नगर निगम ज्ञापन दिया। इसमें प्रमुख रूप से 6 मांगे थी। 6 मांगों को लेकर ज्ञापन हमने नगर महोदय जी दिए। इसमें साथ हमारे पार्षद जी देव दीपक यादव जी, पूर्व छात्र नेता हमारे, और हमारे महानगर अध्यक्ष उदयवान प्रजापति जी, जिला अध्यक्ष जी हमारे प्रदीप राठौर जी, दानिश भाई, सभी लोग हैं, रोहित भाई वगैरह, और अभिनव पासवानी जी, सभी लोगों ने मिलकर ये ज्ञापन दिया है। सभी छात्र सभा के पदाधिकारी हैं, सभी छात्र सभा के काम करने वाले लोग हैं। हम लोगों की मांगें प्रमुख रहीं, कोविड चल रहा है इस समय, 26 जुलाई से प्रमुख परीक्षाएं होने वाली हैं सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की। लेकिन जैसा कि आज बरसात का मौसम था, ऐसा ही आगे भी रहने वाला है। ऐसा के कॉलेज हो, चाहे पीटी जैन हो, चाहे सीएल जैन हो, दाऊदयाल हो, एमजी स्कूल हो, सभी जगहों पे जब पानी तेज पड़ता है तो बरसात की वजह से वो जलभराव हो जाता है। जलभराव होने के कारण नौकरी वाला तो नौकरी से एक बार को नहीं जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। व्यापारी अपना दुकान नहीं खोले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन परीक्षा देने वाला जरूर जाएगा, समस्या उसे होनी होनी है। साथ ही साथ जलभराव हो जाता है, उसके साथ मैन होली खुली हुई है फिरोजाबाद में कई जगह पर, उससे बड़ी बड़ी घटनाएं भी हो गई हैं। तो हमने ये बताया कि कॉलेजों के आसपास जो मैन होल खुले हुए हैं उनको बंद किया जाए, जलभराव की समस्या उसको दूर की जाए। उसके साथ ही साथ बिजली विभाग के लिए भी एक पॉइंट हमने लिखा है, साहब से निवेदन किया कि वो आप उन्हें अवगत करा दें, जज्जर तार जो भी स्कूल के आसपास हैं उन्हें खत्म किया जाए, नए तत्काल चेंज किए जाएँ। उसके साथ ही साथ CMO साहब से भी उन्हें निवेदन किया है कि जाँच टीम बिठाई जाए, कैंप लगाए जाएँ कॉलेज के पास, ताकि हम लोगों की जाँच हो सके छात्र छात्राओं की, और वो अपने आराम से सुरक्षित एग्जाम दे सकें। उसी के साथ साथ छात्र सभा के जिलाध्यक्ष जी ने और ये भी कहा है कि इस समय पे 26 तारीख से परीक्षा शुरू होने वाली हैं, उन सभी चीज़ों को देखते हुए जलभराव को लेके, मेन हॉलों को लेके, जज्जर तारों को लेके, एक प्रमुख समस्या हमने ये भी उठाई, नगर निगम ने पिछले कोरोना काल में कई चौराहों पे अपनी टंकी रखी हाथ धोने के लिए, सैनिटाइज करने के लिए। हम चाहते हैं कि सभी महाविद्यालयों में और अपने इंटर कॉलेजों में क्लास